अच्छा सबसे पहले तो वहाब रियाज का सुनेंगे आपसे। वो वाक्य हुआ कि मैच चल रहा था वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो अहमद की ना रन आउट करने के लिए ना सैम्यूल्स के साथ टक्कर हो गई ना, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं अहमद का, उसको हम नहीं उड़ाते। तो वो ना ऐसे करके ना नीचे लेटे, टक्कर हुई है तो उसकी गर्दन के पास कहीं पे उसको चोट लगी, तो वो ना ऐसे करके यूं गिरा, तो ना उसको एकदम ख्याल आया कि शायद बैट्समैन को देखूं, वो ऐसे हुआ बैट्समैन को देखा उसने, तो बैट्समैन ठीक है वो वापस ऐसे ही गिरा। तो उसके बाद ना अब मैच रुक गया 5-10 मिनट, वो एम्बुलेंस आ गई अंदर, ये वो ऐसे वैसे, ये क्या हो रहा है, वो अहमद ठीक है, ये वो ऐसे वैसे, उन्होंने उसको स्ट्रेचर पे डाला, तो कामी भाई पास ही खड़े थे, कहते वाह आप जैसे ये उठाए ना तो पढ़ लेना कलमाए शहादत। हालत तो ऐसी बनाई, थोड़ी देर वापस आ गए। अच्छा नहीं, उसके बाद ना 10-15 मिनट गुजरे हैं, तो इस तरह वापस आ गया अहमद वापस आ गए, और आके ना उसको ऐसे बोलना शुरू कर दिया सैम्यूल उसके साथ, ये वो सैम्यूल ने कहा मैंने पहला बंदा देखा जो गया एम्बुलेंस में और 15 मिनट बाद फील्ड पे भी आ गए। तो अपने मैनेजर साहब से पूछा सर हुआ क्या, क्योंकि मैनेजर साहब साथ गए, कहते यार ये अजीब लड़का, इसकी समझ नहीं आई मुझे कुछ क्या हुआ क्या, कह रहे वहाँ पर लेटा हुआ था, इसको चेक कर रहे थे, कह रहे मुझे छोड़ दो पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है। सर कहते हो बेटा लेकिन तुम तो आउट हो गया, अब कौन सी ज़रूरत है, पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, मुझे ग्राउंड में वापस जाना है। कह रहा है यार उधर वो कह रहा है MRI करना, इधर ये कह रहा है कि मैं ठीक हूँ मैंने वापस जाना है। तो ये वाक्य हुआ था। ये क्या हुआ था अहमद भाई, हम लोग भी टीवी पे देख रहे थे, हम सब भी शक में थे यार, बंदा गया एम्बुलेंस में आया है तो डायरेक्ट ग्राउंड में ही आ गया, क्या था वो? हुआ वहीं आया था कि मैं रन आउट करने गया, सैम्यूल से वो था नहीं, चैडविक था, तो उस मेरी गर्दन पे ना उसका पूरा घुटना लगा, ओके, और मैं वहाँ पे गिर पड़ा। तो मेरे यहाँ पे मैं लेटा, मैंने उठने, जिस तरह उसने कहा ना कि उठने की कोशिश की, बिल्कुल मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा लग रहा था निगल फंसी हुई है, मैं हिलूंगा तो निकल जाएगी, तो वहाँ मैं इसी चक्रों में ना पूरा लेट गया। अब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि ग्राउंड के अंदर एम्बुलेंस आ जाए, वेस्ट इंडीज में कुछ इस तरह के रूल्स थे, तो मैंने यूँ आँख खोली तो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, जैसे ही एम्बुलेंस में उन्होंने मुझे डाल दिया और वो गाड़ी उन्होंने चलाई तो वो बम्प आए तो वो ऑटोमेटिकली मेरे झटके लगे तो वो जो जगह पे आ गया, कड़ाका था वो निकल गया, तो मैं ठीक हो गया। तो इसके बाद मैंने मैनेजर साहब को कहा, मैं कहा सर मुझे जाने दे, कहते नहीं बेटा, वो भी डरे हुए थे, आपने वो MRI एक्सरे होंगे, मैं कहा सर जाने दे, मैं अच्छा फील्डर हूँ, लो टोटल पे टीम आउट हुई हुई है, टीम को मुल्क को मेरी ज़रूरत है, जाने दे। तो मेरी शक्ल देखने लग गया, मैं क्या हो गया सर पहली दफा मेरे। तो वापस आया, फिर उसने कहा कि सैम्यूल को बोलने लगा। जब मैं वापस आया मिकी कोच था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि सैम्यूल जो है ना शादाब को के साथ बदतमीजी कर रहा था और मिकी ये इंजॉय नहीं कर रहा था, तो मिकी ने मुझे बोला था कि जाके इनको पढ़ जाओ, तो इस वजह से मैं जाके अंदर, बाकी वहाब है, वहाब कुछ भी कर सकता है। एक तो वहाब की आदत है कि इसको लड़ाइयाँ करवाने का बहुत ज़्यादा शौक है, ये दो दरख्त खड़े होंगे ना उनके बीच में लड़ाई करवा देगा, लिख के ले लो, ये वहाब की खासियत है। वहाब एक डोमेस्टिक का मैच खेला था जब वहाब छोटा ही था, तो इसकी बड़ी फेमस एक स्टोरी है। तो एक वो तारे काटे वाला एक कप्तान होता था, वो इसको खिलाए ना, एक मैच गुजर गया, दो मैच गुजर गए, ये हर मैच के बाद जाके कहता था तारिक भाई मुझे खिलाओ, वो आगे से कहता जा मैं नहीं खिलाना जिन्हों मर्जी बुला लें। तीसरा मैच में वो वाकई जो है ना बंदे लेके आ गया वहाब, कहना वहाब भाई कहना जा मैं नहीं खिलाना जिन्हों मर्जी, तो बंदे बाहर खड़े थे, कहना आ जाओ जी, वो नहीं मर रहे, आया वाह पुत्र तू ही खेलेगा। वो दिन था, आज का दिन है, वहाब बाहर नहीं हुआ कहीं से। अच्छा अहमद भाई, ये सवाल मैं उमैद से पूछूंगा, फिर आपका भी इनपुट लूंगा। उमैद आप लोग जाते थे ये आर्मी ट्रेनिंग पे भी जाते थे ना टीम, तो वहाँ पर आप जाहिर बात है वो तो डिफरेंट लोग हैं बिल्कुल ही, वो किसी तरह ट्रेन अलग तरीके से करते हैं, डिसिप्लिन एंड ऑल, तो कोई ऐसे वाकयात वहाँ के? मैं खुद तो नहीं गया, काकुल यू नो कैंप लगता था, तो लेकिन मुझे पता चला प्लेयर से ही कि शर्जील खान के ऊपर, शर्जील खान जो कराची किंग्स से भी खेलते हैं जी बिल्कुल, तो उसके साथ उन्होंने दो लगाए होते थे फौजी साथ के, दो दो फौजी एक शर्जील पे लगे हुए थे, वो कंसिस कर रहे हैं आप जितने करने हैं वो तो करवाने ही करवाने, बेशक आप लेटे रहें मतलब आप जितना भी टाइम लें, तो एक फौजी पुश कर रहा होता था, दूसरा फौजी उसको वापस पुश नीचे कर रहा होता था, तो एंड ऑफ द कैंप उन्होंने कहा सर आपका वेट तो कम नहीं हुआ, हमारे डोले बन गए।